खबर उज्जैन से है, जहां नौवीं की स्टूडेंट की हत्या दुकान के नौकर राहुल भील उम्र 25 वर्ष ने की थी। आरोपी बच्ची के नाना की दुकान पर काम करता है। वह चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन बच्ची ने उसे देख लिया, जिसके बाद आरोपी ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। बच्ची की हत्या भाटपचलना थाना क्षेत्र के खेड़ावदा में 2 जुलाई को हुई थी। 13 साल की बच्ची सुबह से लापता थी। इसी दिन शाम को उसका शव अर्धनग्न अवस्था में घर की दूसरी मंजिल पर बोरे में बंद मिला था। बच्ची अपने नाना नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया। इलाके में लगे सीसीटीवी और क्लिनिक से पूछताछ में सुराग मिले, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को मामले का खुलासा किया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने आरोपी के घर को जेसीबी से तोड़ दिया। सीएसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि आरोपी बच्ची के नाना की कपड़े की दुकान पर काम करता है। वह चोरी करने घर के मेन गेट से घुसा था। बच्ची के नाना नानी बाहर गए थे, घर में बच्ची अकेली थी। बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी छत से कूदकर भागा था। इस दौरान छत का प्लास्टर उखड़ गया था। पुलिस को पता था कि आरोपी इतनी ऊंचाई से कूदा है, तो उसे चोट जरूर लगी होगी। इसके बाद पुलिस ने गांव के मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर पूछताछ की। एक क्लिनिक के कर्मचारी ने बताया कि राहुल पैर में चोट को लेकर इलाज कराने आया था। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले तो राहुल भील रेकी करता दिखा। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला। पुलिस का शक गहरा हो गया। पुलिस ने तलाश कर उसे धर दबोचा। आरोपी ने सिर्फ 27 मिनट में घटना को अंजाम दिया था। सीएसपी ने बताया कि आरोपी लड़की के घर के हर रास्ते व सदस्यों के बाहर आने जाने के समय के बारे में जानता था। शनिवार को भी बच्ची के नाना पेपर पढ़ने चाय की दुकान पर गए थे। सुबह करीब 9 बजे नानी भी मंदिर चली गई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा, लेकिन इसी दौरान बाथरूम से निकलते बच्ची से उसका सामना हो गया। लड़की चिल्लाने लगी, दोनों के बीच संघर्ष भी हुआ, तो उसने बच्ची का कपड़े से गला घोटकर हत्या कर दी। सबको सोयाबीन के बोरे में छुपाकर छत की दीवार कूदकर फरार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जो संदेहियों में से थे, जो हमारा ये मुख्य आरोपी है, उसको बुलाकर हमने पूछताछ की, तो ये घटना उसने स्वीकार की। मूलतः ये इनके यहाँ बीच बीच में मजदूरी का भी काम करता रहा, और उसको ये पूरा पैटर्न मालूम था कि घर कब खाली रहता है।